सो आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे तीन फैमिलीज होती हैं। पहले है हमारी वंस की फैमिली, उसके बाद हमारी थाउजेंड की फैमिली, उसके बाद हमारी मिलियन की फैमिली। तो हमारी मिलियन की फैमिली भी है, और इन तीनों फैमिलीज में वंस की फैमिली में वंस, टेंस और हंड्रेड इंक्लूड होता है, और थाउजेंड्स की फैमिली में हमारा थाउजेंड, टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड इंक्लूड होता है। हमारे मिलियंस की फैमिली में मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन इंक्लूड होता है। तो हमारे तीनों फैमिलीज में तीन मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। ईच फैमिली में तीन मेंबर्स, वन टेंस हंड्रेड, तीन हो गए थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड तीन हो गए, मिलियन टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन तीन हो गए। तो ऐसे ही जैसे ये तीन तीन हैं, वैसे ही हमको एक तीन नंबर छोड़कर कॉमा लगाना है इंटरनेशनल सिस्टम में। और तो ऐसे ही हमको यहाँ पे भी करना है। जैसे अब यहाँ पे हमको तीन तीन वर्ड्स के बाद, तीन तीन नंबर्स के बाद हमको कॉमा लगाना है। तो अगर हम लिख रहे हैं फिर से, तो एक ऐसे हो गया, तीन नंबर्स छोड़े हैं मैंने, उसके बाद फिर से मैंने तीन नंबर्स छोड़े हैं, तब ये दो नंबर्स बच गए हैं, तो ये अकेले हुए हैं। अब हम इनको लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 87, 87 मिलियन, उसके बाद 87,595,762। So let's move to the next question. तो हमारे next question में फिर से थोड़ा same ही है, 85, तो तीन numbers छोड़ के हमको comma लगाना है ऐसे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 8 million, उसके बाद 546,000, 8,546,283। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।